Hello everyone, welcome to Camp Point, and today our topic is equilibrium. This is chapter 7 of class 11 chemistry. So let's start now. In previous lecture we discussed about Lewis concept, Arrhenius concept and Bronsted concept. Now we discuss फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ. हमने पढ़ा कि एसिड होते कैसे हैं. एच पॉजिटिव आयन देगा तो एसिड होगा, या एच इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो एसिड होगा. बट एसिड कौन कितने हद तक होगा, कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, उसको मेजर करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे. व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ एच ए डिक्रीजेस, कब डिक्रीज होगी. देखिए, वी हैव फ्लोरीन, हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. सबके एच के साथ बॉन्ड बनाया तो एच एफ, एच सी एल, एच पी आर एंड एच आई. हमें पता है अकॉर्डिंग टू अरहेनियस कॉन्सेप्ट जो स्पीशीज एच पॉजिटिव देगी दैट इज एसिडिक. तो हर एक स्पीशीज एच पॉजिटिव आयन दे सकती है, तो इसका मतलब सारे के सारे एसिडिक हैं. बट हमें ये पता करना है कि किसके कितने स्ट्रेंथ है, और आई कैन से दैट कि कौन कितना ज़्यादा एसिड है, ये पता करना है. सो अगर हम साइज की बात करें, फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है और हाइड्रोजन का साइज भी स्मॉल होता है. वेयर एज इन केस ऑफ एच सी एल, हाइड्रोजन का साइज तो वही रहेगा, बट क्लोरीन का साइज क्या होता है, बिग होता है. इन केस ऑफ ब्रोमीन, हाइड्रोजन इज दिस, सो ब्रोमीन इज दिस. इन केस ऑफ आयोडीन, साइज इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन. तो अगर इंट्रेक्शन की बात करें, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन हैव वेरी मच इंट्रेक्शन, और वी कैन से दैट स्ट्रॉन्ग इंट्रेक्शन बिकॉज ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग ड्यू टू सिमिलर साइज. साइज जो है सिमिलर है तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी. बॉन्ड कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो तोड़ना क्या रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा. वेयर एज इन केस ऑफ सी एल, थोड़ा वीक बनेगा बॉन्ड इन कंपेरिजन टू एच एफ वाई, बिकॉज यहाँ पे साइज क्या डिफर है. अब देखिए, एच आई और एच आई की बात करें तो एच का साइज स्मॉल है और आई का साइज क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज है. तो यहाँ पे क्या होगा, जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ही वीक बनेगा, क्योंकि इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी ड्यू टू डिफरेंस इन द साइज. तो जो एच आई का बॉन्ड होगा वो सबसे ज्यादा वीक. देखिए, एच आई का बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक, तो इजिली कम एनर्जी देनी पड़ेगी. ये एच पॉजिटिव आयन इजिली दे देगा, और जो जितना इजिली एच पॉजिटिव आयन देगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा. दैट्स वाई एच एफ इज लीस्ट एसिडिक एंड एच आई इज मोर एसिडिक. ऑल्सो साइज इंक्रीज कहाँ करता है, एच आई के केस में, और डिक्रीज कहाँ करेगा, एच एफ के केस में. सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिक्रीज टू ब्रेक द बॉन्ड डिक्रीजेस, हेंस एच ए, ए मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन बिकम स्ट्रोंगर एसिड. ओके, नाउ इफ यू मूविंग नेक्स्ट, अगर हम बात करें, अभी हमने बात करी ग्रुप्स में कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ये क्या होते हैं, हमारे पास ग्रुप होते हैं. अगर हम बात करें पीरियड में, पीरियड्स में अगर हम बात करें तो क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ. अगर हम बात करें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, सबका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करें, बिकॉज एच पॉजिटिव आयन देंगे तभी एसिड होगा. सी एच फोर, एनएच थ्री, एच टू ओ एंड एच एफ. अगर आप यहाँ साइज कंपेयर करेंगे तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ऑल हैव सिमिलर साइज, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होता है सभी का, तो साइज फैक्टर यहाँ डोमिनेट नहीं करेगा. अगर आप सेकंड चीज कंपेयर करें, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, वी नो दैट फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड लास्ट वन इज कार्बन. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा. दैट्स व्हाई एच एफ इज मोर एसिडिक देन एच टू ओ, एच टू ओ इज मोर एसिडिक देन एन एच थ्री, एंड एन एच थ्री इज मोर एसिडिक देन सी एच फोर. इन पीरियड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ए क्या है, वो स्पीशीज है जो एच के साथ अटैच है, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरिन. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, दैट इज इंक्रीज. नेक्स्ट टॉपिक इज आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक एसिड. अब वीक एसिड का आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट देखे, सबसे पहले वीक एसिड का एक एग्जाम्पल लिया, दैट इज एसिटिक एसिड. सी एच थ्री सी ओ एच इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज इट इज अ वीक एसिड, तो डिसोशिएट होगा पार्शली. सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव एंड एच पॉजिटिव. इन इनिशियल टाइम जब टी जीरो होगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बना होगा, जो कंसंट्रेशन होगी किसकी, वो रिएक्टेंट की होगी, दैट इज हमने उसको क्या कंसिडर किया, सी.
जब टाइम जीरो होगा तो प्रोडक्ट नहीं बना होगा, दैट मीन्स ये दोनों कंसेंट्रेशन क्या होंगी, दैट आर जीरो। आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम के बाद रिएक्टेंट किस में चेंज हो गया होगा, प्रोडक्ट में चेंज हुआ होगा। सो टोटल कंसेंट्रेशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन सी थी, हम सपोज करते हैं कि सी माइनस अल्फा क्या हुआ, ब्रेक हो गया, तो हम क्या कर देंगे, अब सी एच थ्री सी और एच की कंसेंट्रेशन कैसे आएगी, सी माइनस सी अल्फा, और सी अल्फा ब्रेक हुआ है तो ये भी सी अल्फा फॉर्म हुआ होगा, ये भी सी अल्फा फॉर्म हुआ होगा। अल्फा क्या है, एक डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि कितना ज्यादा डिसोसिएट हुआ है। सो द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, कैसे होता है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव एंड एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड कंसेंट्रेशन। अब देखिए सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव की कंसेंट्रेशन इज सी अल्फा, दिस इज सी अल्फा, एंड एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इज ऑल्सो सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा। एट टाइम टी पे हम कंसेंट्रेशन को कंसिडर कर रहे हैं, सो इट विल गिव सी स्केयर अल्फा स्केयर, इफ यू टेक सी कॉमन देन इट विल गिव वन माइनस अल्फा, सी कैंसिल हो जाएगा उसके स्केयर से, इट विल गिव सी अल्फा स्केयर माइनस वन माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। तो ये क्या आ जाएगा, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर वीक एसिड। सो के ए जो हमने निकाला है दैट इज डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ एसिड, एसिड कौन सा है, वीक एसिड है। अगर जनरल केस की बात करें तो क्या होगा, के ए कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट इज कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एच पॉजिटिव एक्स नेगेटिव। देखिए ये कुछ ऐसा ब्रेक हुआ होगा, एच पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव, तो इनकी कंसेंट्रेशन अबव में आएगी, दैट इज अबव एंड अपॉन एच एक्स कंसेंट्रेशन। एट अ गिवन टेम्परेचर टी के ए इज द मेजर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एच एस या फिर स्ट्रेंथ ऑफ एच एक्स, लार्ज द वैल्यू ऑफ के ए स्ट्रोंगर इज द एसिड। देखिए इस चीज को, के ए इज इक्वल टू एच पॉजिटिव अपॉन एक्स नेगेटिव, ये एक जनरल केस लिया है हमने, अपॉन एच एक्स। जितनी ज्यादा के ए की वैल्यू होगी, कब होगी के ए की वैल्यू ज्यादा, जब आपका न्यूमरेटर ज्यादा होगा, न्यूमरेटर कब ज्यादा होगा, जब एच पॉजिटिव आयन डिसोशिएट क्या होगा, ज्यादा। अब देखिए कोई स्पीशीज एच पॉजिटिव आयन ज्यादा डिसोशिएट करेगी, इसका मतलब क्या है, वो उतनी ही ज्यादा एसिडिक है, दैट्स वाई वी आर सेइंग। अब देखिए ये ज्यादा तो ही तो ये ज्यादा, तो हम डायरेक्टली कह रहे हैं कि के ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्पीशीज उतनी ही क्या होगी, एसिडिक होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो उतना ही ज्यादा एच पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में क्या करेगी, रिलीज करेगी। नाउ आयनाइजेशन ऑफ वीक बेसिस, इट इज बिल्कुल, इट इज एज सेम एज वीक एसिड। सो देखिए आयनाइजेशन की बात करें, अब अरहेनियस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू अरहेनियस कॉन्सेप्ट क्या होंगे, वीक बेसिस कौन से होंगे या बेसिस कौन से होंगे जो वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन को रिलीज करें। सो MOH इक्विलिब्रियम, M पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, सो पार्शियली डिसोशिएट होंगे, गिव्स M पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये बिल्कुल सिमिलर होगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट से, यहाँ कौन सा कांस्टेंट आएगा, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड रिप्रेजेंटेड बाय के बी, रिप्रेजेंटेड बाय के बी, के बी ऑल्सो इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एम पॉजिटिव ओएच नेगेटिव कंसेंट्रेशन अपॉन एम ओएच कंसेंट्रेशन, इट इज एज सेम एज दैट ऑफ एसिडिक केस, और यू कैन से दैट एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर एसिड, सी जो होगी कंसेंट्रेशन होगी, अल्फा जो है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगी। देखिए एम ओ एच गिव्स अस एम पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव, दिस इज बिल्कुल, ये बिल्कुल सेम चलेगा, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एट टाइम जीरो कंसेंट्रेशन सी रहेगी, ये जीरो ये जीरो, एट टाइम टी द कंसेंट्रेशन विल बी सी माइनस सी अल्फा, इट विल सी अल्फा, इट विल ऑल्सो फॉर्म सी अल्फा। सो अगर हम डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेस निकालें दैट विल गिव्स एम पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव अपॉन एम ओ एच, इट विल गिव्स अस एम पॉजिटिव इक्वल टू सी अल्फा इन टू में सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा। अगर आप यहाँ से इसको सोल्व आउट करेंगे इट विल गिव्स अस सी स्केयर अल्फा स्केयर अपॉन सी कॉमन आ जाएगा वन माइनस अल्फा, ये स्केयर को कैंसिल आउट करेगा, इट विल गिव्स अस सी अल्फा स्केयर
वन माइनस अल्फा, बिल्कुल सेम चलेगा जैसे एसिड के केस में हमने किया था, दैट इज नोन एज डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर वीक बेसिस. नाउ व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, क्या होते हैं? सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज बफर सॉल्यूशन. सो मैनी फ्रूट्स, ब्लड और यूरिन हैव डेफिनेट पीएच एंड एनी डेविएशन इन पीएच इंडिकेट्स मेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. जब भी किसी पर्टिकुलर चीज का और हमारी बॉडी का पीएच हम चेंज करते हैं तो कुछ ना कुछ डिसऑर्डर और डिसीज जो है अट्रैक्ट करती है. अगर हमारी बॉडी की बात करें तो कुछ ना कुछ मेल फंक्शनिंग, मतलब कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज हमारी बॉडी में आती हैं. द कंट्रोल ऑफ पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो पीएच को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन केमिकल एज वेल एज इन बायोकेमिकल, चाहे वो केमिस्ट्री की बात करें, हम लैब की बात करें या फिर हमारी बॉडी की बात करें. मैनी मेडिकल्स एंड कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन रिक्वायर टू केप्ट एडमिनिस्ट्रेशन एट पर्टिकुलर पीएच. जो मेडिसिन बनती है या बहुत सारी जितने भी चीजें होती हैं मोस्टली वो एक पर्टिकुलर पीएच पे डिपेंडेंट है. अगर पीएच हम चेंज कर देते हैं तो वो चीज एज इट इज नहीं बनती, वो प्रोडक्ट एज इट इज नहीं बनता जो हमें चाहिए होता है. द सोल्यूशन विच रजिस्ट, दिस इज द डेफिनेशन, द सोल्यूशन विच रजिस्ट द चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन विद एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली बेस आर नोन एज बफर सोल्यूशन. क्या होते हैं बफर सोल्यूशन? जो क्या करेंगे, रजिस्ट करेंगे पीएच को चेंज होने से. अगर हम कोई स्पीशीज ले रहे हैं और उसका एक पर्टिकुलर पीएच है एंड सपोज करो हमने उसमें लिटल अमाउंट ऑफ एसिड डाला या लिटल अमाउंट ऑफ बेस डाला, तो एसिड बेस क्या करेंगे, या तो एसिड क्या करेगा, अगर हमने एसिड डाला है तो कुछ ना कुछ पीएच को चेंज करेगा, या अगर हम बेस डाले तो बेस भी क्या करेगा, कुछ हद तक पीएच को चेंज करेगा. बट हम कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ऐसा डालेंगे जो क्या करेगा, जो पीएच एसिड और बेस के डालने से चेंज हो रहा है वो उसको क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, उसको चेंज नहीं होने देगा. दैट सॉल्यूशन इज नोन एज बफर सॉल्यूशन. सो बफर सॉल्यूशन आर दोज विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन विद द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर नोन एज बफर सॉल्यूशन. देखिए बफर सॉल्यूशन ऑफ नॉन पीएच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ पीकेए ऑफ एसिड एंड पीकेबी ऑफ बेस. हमने ये चीजें नहीं पढ़ी, मैंने आपको ये बताया है कि जितनी ज्यादा केए वैल्यू होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. और आई टोल्ड यू के बी जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी हमारे पास, बेसिक स्ट्रेंथ होगी. ऑल्सो जैसे पीएच होता है ऐसे ही क्या होता है पीकेए एंड पीकेबी. पीकेए वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, उतनी कम क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ. और यू कैन से दैट पीकेए वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के ए वैल्यू. के ए वैल्यू जितनी ज्यादा उतना एसिडिक, तो पी के ए वैल्यू जितनी ज्यादा उतना कम एसिडिक. सेम वे में के बी एंड पी के बी, के बी वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ज्यादा बेसिक एंड पी के बी वैल्यू जितनी ज्यादा उतना कम बेसिक. दिस बोथ आर ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी. ये हम याद रखेंगे. बाय एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट एक्ट एज अ बफर, एक बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेंगे अराउंड 4.75 पीएच ऑन क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज अ बफर अराउंड 9.25. ये एक सॉल्यूशन है, जब हम लैब में वर्क करते हैं तो हम इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं. जब हम उसको पीएच एक्चुअल से मेजर कर पाए देन दिस इज द बेनिफिशियल. ये एक एग्जाम्पल दिया गया है किसका, बफर सॉल्यूशन का, कि एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट जो है एज अ बफर सॉल्यूशन एक्ट करते हैं, या फिर अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी जब हम मिक्स करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करते हैं. सो थैंक यू, होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया हो. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.